हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल मठड़ी। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लिया है एक कप गेहूं का आटा, ये छान लिया है हमने। एक बाउल भर के मैदा और एक बाउल भर के ही हमने मूंग की दाल का आटा लिया है। जो धुली हुई मूंग की दाल आती है ना, उसका आटा लिया है। अब हम इसमें अजवाइन, कलौंजी, नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। हम अब इसमें मोयन डाल देंगे, 2 चम्मच घी का मोयन। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको अच्छी तरह मसल के 20 मिनट ढककर रख देंगे। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। इसको ढककर हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी अब हम मठरी बना लेते हैं। एक बाउल में हमने ये कॉर्नफ्लोर है ये 1 चम्मच लिया है। इसमें हम थोड़ा सा घी मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने इसमें घी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब हम मठरी बनाने की तैयारी करते हैं। हमने एक मोटा लोई ले ली है। इसको हम बेलते हैं बिल्कुल इस चकले के बराबर। हम बेल लेंगे।
हमने पूरी एक रोटी बेल लिए, इस पे ये कॉर्नफ्लोर वाला जो घी डाल के हमने मिक्स करा था इसको लगा लेंगे पूरे इसमें अच्छी तरह, पूरी रोटी पे लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम मैदा डस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह, फिर एक बार इधर लगा के फिर से मैदा डस्ट कर लेंगे, फिर अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह। फोल्ड हो गई है, फिर एक और बार इसको बेल लेंगे। मैदा डस्ट करके इसको एक और बार बेल लेंगे, जैसा इसका शेप आ रहा है वैसे ही हमें बेलना है। फिर हमें घी और कॉर्नफ्लोर वाला जो बैटर तैयार करा है वो लगा लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह फोल्ड कर देना है। फिर मैदा डस्ट करके इसी शेप में फिर से बेल लेना है। बस हमें इतने ही ठीक रखनी है। अब हम इसको काट लेंगे चाकू से, इसी प्रकार से हमको सारी मठरियाँ बना लेनी है। अब हम एक और बेल के बताते हैं आपको। घी और कॉर्नफ्लोर का जो बैटर बनाया है उसको अच्छी तरह इस पे मिक्स करना है, उसके बाद इसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करनी है, उसके बाद इसको फोल्ड कर देना है फिर
फिर मैदा डस्ट करके अच्छी तरह इसी शेप में बेल लेना है। फिर इसको बेल लेना है। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके मटरी डाल देंगे। सिम हमें गैस बिल्कुल सिम करके रखनी है ताकि हमारी मटरी अंदर से पक जाए, कच्ची न रहे। अगर फ्लेम हम तेज करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से तल जाएगी। ये देखिए हमारी मटरी कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। चार लेयर वाली जैसे मार्केट में मिलती है ना, चार लेयर वैसी ही लेयर आई है। अब हम दूसरी डाल देते हैं। देखिए बनी है ना बिल्कुल मार्केट जैसी, चार लेयर वाली मठरी मिलती है ना ऐसे मार्केट में। एक बार आप भी इसे ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको अब एक दूसरी स्टाइल की भी बता देती हूँ। तीन बार हमने वैसी बना ली है, अब एक बड़ी रोटी बना के अच्छी तरह इसको चकले जितनी बड़ी गोल बना के अच्छी तरह इस पे घी लगा लेंगे। फिर मैदा डस्ट कर लेंगे। फिर इसको प्रोसेस वही है, इसको फोल्ड कर देंगे। फिर मैदा डस्ट करके इसको फिर एक बेल लेंगे। रोटी बेल के हमने बीच में से इसको काट दिया है। फिर इसके छोटे छोटे
ये हमारी दूसरी स्टाइल हो गई मटर की, एक स्टाइल वो थी एक स्टाइल ये है, जो जो सी आपको पसंद आए वो आप बना सकते हैं। मटर को हमें आंच बिल्कुल सिम करके ही तलना है ताकि वो अंदर से अच्छी तरह पक जाए, कच्ची ना रहे। टाइम तो लगता है पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। देखिए कितनी क्रिस्पी, कितनी बढ़िया है ना, बिल्कुल देखो कितनी क्रिस्पी। लीजिए तैयार है हमारी दोनों प्रकार की मठरी, देखिए कितनी करें।